Hello friends, this is Lavanya Mangal, first year MBBS student. Today I am here with a campus tour of the Government Medical College Ratlam. So let's start. तो जैसे ही हम लोग सबसे पहले गेट के अंदर घुसेंगे तो सबसे पहली बिल्डिंग जो हमें नज़र आएगी वो है हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग, और इस हॉस्पिटल बिल्डिंग के पीछे की तरफ में मॉर्चरी है, राइट। और जैसे जैसे अब हम आगे चलते जाएंगे हमें और बिल्डिंग्स दिखती जाएंगी। जो सबसे पहले भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही एकदम फ्रंट में वो है हमारी एकेडमिक बिल्डिंग या फिर कॉलेज बिल्डिंग बोल सकते हैं। और पीछे की तरफ दूर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ और बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि बेसिकली सारे के सारे हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। ओके, अब चलते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग में आज वैसे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, बट मैं बता दूँ आपको कि अभी तक हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बेसिकली कुछ डेंगू पेशेंट्स यहाँ पर एडमिटेड हैं, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अभी जो है क्राउड बना हुआ है। और इसमें ये जो मेन अभी आपने देखा पूरा का पूरा, ये बिल्डिंग जो है पूरा इन पेशेंट डिपार्टमेंट है अपना, या फिर OTs वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। और ये जो शेड है, शेड के नीचे जनरली यहाँ पर एक पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया है, और इसके पीछे के तरफ में कुछ बिल्डिंग्स और हैं जो कि बेसिकली OPDs है ना। ये इसका बेस्ट व्यू अपने को थोड़ा आगे मिलेगा या फिर बॉयज़ हॉस्टल के फ्रंट से दिखता है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर हॉस्पिटल बिल्डिंग। अब इस हॉस्पिटल बिल्डिंग से अगर हम चलते हैं टूवर्ड्स द फ्रंट, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने है हमारी कॉलेज बिल्डिंग, मतलब कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों एकदम आमने सामने, राइट। और दोनों के बीच में है एक छोटी सी पुलिस चौकी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पूरी की पूरी हमारी एकेडमिक ब्लॉक और कॉलेज बिल्डिंग आ जाती है। सो जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो दिस इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग जहाँ आप घुसने वाले हैं, है ना। बिकॉज इसी के अंदर आपका पूरा काउंसलिंग हॉल है, पूरी की पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस आपकी यहीं पर होगी, है ना। अभी हम सिर्फ बाहर बाहर से देख रहे हैं पूरा का पूरा ये जो व्यू है, सारी जगहों के जो इनसाइड व्यू हैं उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ हम लोग ज़रूर बनाएंगे। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एकेडमिक ब्लॉक से, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है एक फ्रंट, जो मेन रोड जैसे कह सकते हैं पूरे कॉलेज का, एकेडमिक पूरा जो है इसी से कनेक्टेड है। ये पूरा कॉलेज है और पीछे की तरफ जो आपको फ्रंट में दिख रहा है वहाँ कुछ शॉप्स हैं और पीछे पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो जैसे ही अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट के अंदर देखेंगे तो फ्रंट में आपको एकदम दिख रही है अभी लाइब्रेरी क्लियरली नज़र आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा पार्किंग स्पेस और इसी में एक जो है पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसका एक और क्लियर व्यू अभी आपको देखने मिलेगा। सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो पूरा है कॉलेज का एरिया है। शेड के जस्ट नीचे एक बहुत ही अच्छा सा बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, और साइड में लाइब्रेरी दिख रही है। और इससे फिर हम जैसे आगे जाते जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जिम भी है, और जिम से थोड़ा आगे चलेंगे तो नेक्स्ट डोर पर टेबल टेनिस के लिए स्पेस है, टेबल टेनिस और इनडोर गेम्स जो भी हैं, राइट। फर्दर इससे अगर हम आगे जाते हैं तो वो कंटिन्यूएशन है लाइब्रेरी का, थोड़ा सा अभी हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये पूरा कंटिन्यूएशन है लाइब्रेरी का, यहाँ पर आउटसाइडर रीडिंग रूम है। और इस रोड से अब हम सीधा जाएंगे तो वो बीच में आपको एक ट्रायंगल सा बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से बस दो रास्ते डिवाइड हो जाते हैं हम, एक रास्ता जो राइट में है इट्स टूवर्ड्स द बॉयज़ हॉस्टल, और लेफ्ट में जो है हमारा गर्ल्स हॉस्टल और नर्सिंग हॉस्टल जो है, राइट। फ्रंट में आप लोग गेस्ट हाउस देख रहे हैं, गेस्ट हाउस बेसिकली इट्स फॉर पेरेंट्स, वो लोग यहाँ कर करके रुक सकते हैं, काउंसलिंग में भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा ये जगह। तो यहाँ से अब हम फर्स्टली जो है गर्ल्स हॉस्टल तरफ चलेंगे, यह है सांची पॉइंट। यहाँ सब कुछ जो भी सामान आपको चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, राइट। और जस्ट इसके बाद में जो है ये आप पूरी बिल्डिंग जो देख पा रहे हैं ये है नर्सेज हॉस्टल। तो जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जनरली यहीं पर रहते हैं, तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा नर्सेस हॉस्टल है, राइट। और इससे अब हम आगे चलते हैं। तो इससे जैसे ही अब हम आगे बढ़े हैं तो ये पूरा का पूरा जो अभी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। सिर्फ एक साइड का व्यू है, ये भी बहुत बड़ा है, बेसिकली तीन विंग हैं इसमें। और ये जो अगर आप पीछे की तरफ अभी जो आपको बिल्डिंग दिखी है वो बेसिकली पूरा का पूरा फैकल्टी अपार्टमेंट्स है उस साइड में, राइट। और ये पूरा जो है हमारा गर्ल्स हॉस्टल है,
और इसके सामने आप देखेंगे तो एक छोटा सा प्लेग्राउंड बना हुआ है और ये पूरी कॉलेज बिल्डिंग नज़र आएगी आपको। ओके, आप चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। तो गेस्ट हाउस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, गेस्ट हाउस इजीली अवेलेबल रहता है यहाँ पर। एक हमारे पास कैंपस के अंदर ही एक SBI का ब्रांच भी है, तो एज सच बैंक रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कुछ बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी, वो हॉस्पिटल के ही कंटिन्यूएशन है। वो बेसिकली जो मैं OPDs की बात कर रहा था, वो तो वो सारी वो OPDs होंगी, है ना। अभी हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, राइट। और ये जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है पूरा बॉयज़ हॉस्टल, राइट। ये भी सिर्फ एक व्यू है, इसके भी तीन विंग हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो जैसे जैसे अब हम आगे चल रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये पूरे फैकल्टी अपार्टमेंट्स हैं। और बिल्कुल एकदम इमीडिएट लेफ्ट पर अभी मेरे साइड में जो है डीन सर का पूरा बंगलो बना हुआ है, ठीक है। और सामने की तरफ जो दिख रहा है आपको, यहाँ जो कुछ कार्स पार्क आउट हैं, दिस बेसिकली द रेसिडेंस हॉस्टल। GRs और SRs यहाँ पर रहते हैं। और फिर अब हम चलते हैं हमारे बॉयज़ हॉस्टल। तो दिस इज़ द लेन टूवर्ड्स द बॉयज़ हॉस्टल, एक अलग ही वाइब आती है यहाँ आकर के। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पार्किंग के लिए भी एक अच्छा सा स्पेस है। ये फ्रंट वाली गली के अंदर, इसके अंदर एक अच्छा सा मंदिर बनाया भी नया नया। और इसके और थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ कुछ चेयर्स हैं, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ओके, बैठ करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है हमारा फ्रंट व्यू अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बॉयज़ हॉस्टल का। बेसिकली अभी जो पास किया अपन ने वो ए विंग है, और ये जो सामने दिख रहा है दिस बी विंग। ओके, ये दो विंग्स हैं और एक विंग पीछे की तरफ है, राइट। और ये जो है पूरा का पूरा अपना फ्रंट व्यू है बॉयज़ हॉस्टल का, है ना। प्यारा सा गार्डन और उसके पीछे रास्ता, अलग ही वही बात ही है व्हेन यू एंटर इट। और बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट सामने की तरफ आप देख पाएंगे जो है पूरा का पूरा एक प्लेग्राउंड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज कैंपस टूर, एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स दोज हेल्प मी आउट इन मेकिंग आउट दिस ब्यूटिफुल टूर। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ लेकर के आने के लिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।